Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर 5 रीड कर रहे थे ज्योग्राफी का. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख. मेजर मैंने प्रमुख, डोमेन्स मतलब परिमंडल. ठीक है, कल हमने कंटिनेंट्स के बारे में बात की थी कि टोटल कंटिनेंट्स है 7. इस 7 कंटिनेंट्स के नाम थे हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ठीक है, सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप है. ठीक है, एशिया महाद्वीप यूरोप से यूराल माउंटेन के द्वारा डिफर होता है, सेपरेट होता है, और इन दोनों के कंबाइंड पार्ट को यूरेशिया कहा जाता है. इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. ये जो कंटिनेंट है ये सारा का सारा आपका लैंड मास है, मीन्स ये सारा का सारा पार्ट आपका लिथोस्फेयर का है. आज हम बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर की. किसकी बात करेंगे बेटा? हम हाइड्रोस्फेयर की. हाइड्रोस्फेयर मीन्स वॉटर पार्ट, मीन्स जल मंडल. ठीक है, देखिए आप हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल, मैंने कल भी बताया था. हाइड्रो मैंने वॉटर. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट समझते हैं आप, नीला ग्रह. अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है वो देखिए. द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वॉटर. क्योंकि पृथ्वी का 71% पार्ट जो है वो वॉटर से घिरा है एंड 29% विद द लैंड, और लैंड का सिर्फ 29%. आप देखिए, यदि मान लीजिए टोटल अर्थ है तो 71% पार्ट, लगभग इतना भाग, लगभग ये सारा भाग, इतना पार्ट लगभग वॉटर और इतना ही पार्ट या फिर आप ही लगाइए लैंड. स्केयर में देखिए, अगर ये है आपका तो बस सिर्फ इतनी ही लैंड, बाकी सारा वॉटर. और वॉटर को जब हम दूर से देखते हैं तो वो ब्लू कलर का नजर होता, दिखाई देता है. वॉटर की वॉटर ज्यादा होने के कारण पृथ्वी पर हमें पृथ्वी दूर से किस कलर की दिखाई देती है? ब्लू कलर की. बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि 71% जो पृथ्वी की सतह है कवर्ड विद वॉटर, वो वॉटर से ढकी है. व्हेन वी सी इट फ्रॉम द स्पेस, जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वॉटर इन ऑल इट्स फॉर्म. हाइड्रोस्फीयर के अंदर, जल मंडल के अंदर जो वॉटर शामिल है, ऑल इट्स फॉर्म, उसके सभी रूप उसमें शामिल है. वॉटर के रूप, वॉटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वॉटर गैस की फॉर्म में हो सकता है, और वॉटर सॉलिड यानी बर्फ के रूप में भी हो सकता है. एज रनिंग वॉटर इन द ओशन, जैसे कि बहता हुआ पानी ओशन, महासागरों में, रिवर्स में एंड लेक्स में. आइस इन ग्लेशियर्स, जैसे हिम नदियों में आइस, ये सॉलिड रूप हो गया. एंड अंडरग्राउंड वॉटर एंड वॉटर वेपर इन द एटमोस्फेयर, और जैसे कि जल वाष्प वायुमंडल के अंदर, ये सब वॉटर की फॉर्म्स है. ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर, ये सब मिलकर आपके हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल को बनाते हैं. मोर देन 97 ऑफ द अर्थ वॉटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इट्स टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. कह रहे कि 97% ऑफ द अर्थ वॉटर, मतलब जितना भी टोटल वॉटर है, आपने यहाँ पे देखा, ये तो हो गई आपकी टोटल लैंड. टोटल लैंड का 71% तो हो गया आपका वॉटर, और 29% हो गई आपकी अर्थ यानी मींस लैंड. ठीक है, अब ये जितना भी वॉटर है ये टोटल वॉटर है. टोटल वॉटर मतलब वॉटर का टोटल 100%. इसका भी 97% जो पार्ट है वो कैसा है? सॉल्टी है, और वो ओशियंस के अंदर है. देखिए आप, जैसे कि ये फिगर भी दिखा रखा है ये आपकी बुक में, देख रहे हैं, ये आपका ओशन दिखाया है, टोटल वाटर, और टोटल वाटर का ये सारा का सारा ब्लू पार्ट 97.2% पार्ट जो है ओशन्स में है, और ये कैसा है? खारा है. सिर्फ ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, एरो जो लगा हुआ है, सिर्फ ये पार्ट है. इसमें से भी बहुत सारा भाग आपका
ये बच गया कुल 2.7%। 2.7% में से भी ज्यादातर जो वाटर है वो आइस की शीट में है, या अंडरग्राउंड है, धरती के नीचे है, या फिर वो जल वाष्प के रूप में है। ओनली 0.3% फ्रेश वाटर, सिर्फ 0.03% वाटर ही फ्रेश वाटर है जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी होने के कारण भी हम लोग यहाँ पर जल की कमी को अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, मोर देन 97 ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। पृथ्वी के टोटल वाटर का 97% जो पार्ट है वो ओशंस में पाया जाता है। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, और ये मानव के इस्तेमाल के लिए बहुत खारा है। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available for fresh water for human use. कह रहे हैं, a large proportion, एक बहुत बड़ा अनुपात of the rest of the water, water का एक बहुत बड़ा जो part है, is form of ice sheet, वो बर्फ के रूप में है। Total 97 तो हो गया आपका ocean के अंदर, वो तो खारा है, हम use ही नहीं कर सकते। 97.2%, ठीक है। अब बचा 2.7, उसमें से भी कह रहे हैं एक बहुत बड़ा भाग आइस शीट में है, बर्फ की चादरों से ढका हुआ है, ग्लेशियर्स में है, या अंडर द ग्राउंड या भूमिगत जल है, जमीन के नीचे है, या फिर वो एटमोस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, बहुत कम, एक बहुत कम मात्रा में हमें फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर मीन्स ऐसा पानी जिसे मानव यूज कर सकता है वो वाटर। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए, डिस्पाइट मतलब बावजूद, इस अतः डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, अतः ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर ज्यादा है, नीला ग्रह होने के बावजूद भी वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, हम यहाँ पर पानी की कमी को क्या करते हैं, पानी की कमी का सामना करते हैं। देखिए कंपेरेटिव साइज ऑफ ओशंस, हमने ओशंस की बात, देखिए ये आपके तो कंटिनेंट्स बने हुए हैं और ये आपके बन रहे हैं साइज ऑफ कंटिनेंट्स। पहले तो आप कंटिनेंट्स देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर साउथ अमेरिका, सिक्स नंबर पर आपका आप देखिए, अब हमें काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, हम इसके बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। यूरोप के 10 बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंटार्कटिका बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर एशिया, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड पर नॉर्थ अमेरिका, और इस पर हो गया आपका फोर्थ पर साउथ अमेरिका, और फिफ्थ पर अंटार्कटिका, सिक्स पर यूरोप, एंड सेवन्थ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं इसके बाद बता सकते हैं, नेम द लार्जेस्ट कंटिनेंट, एशिया विच इज अ लार्जर, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सा बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। यदि आप यूरोप को देखें तो यूरोप में 10 बॉक्सेस बने हैं और ऑस्ट्रेलिया में है ओनली 8, तो कौन सा बड़ा है, यूरोप बड़ा है। अब हम बात करते हैं ओशंस की, हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वॉटर का ओशंस में है। तो हम बात करते हैं ओशंस की, महासागरों की। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ओशन जो है एक मुख्य भाग है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल का। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। यदि आप इस पिक्चर में भी देखें तो ये जो आपका ब्लू पार्ट है, ये जो वाटर है, देखो सब आपस में जुड़ा हुआ है। यदि हम अपना पिछला मैप भी देखें, ये वाला मैप हमारा है जो, इसमें भी आप देखिए सभी ओशंस जो ब्लू पार्ट है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, द ओशन वॉटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशन का जो वॉटर है वो हमेशा मूव करता है, हमेशा गतिशील रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वॉटर, महासागरों का जो जल है उसकी तीन मुख्य प्रकार की मूवमेंट होती है, गतियां हैं। आर द वेव्स, पहली है तरंगे, आप देखते हैं समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, दैट इज वेव्स। सेकंड है द टाइड्स, टाइड्स मैंने ज्वार भाटा मतलब दिन में दो बार सूर्य और चंद्रमा, सन और मून की ग्रेविशनल पावर के कारण जो वाटर अप होता है
और फिर डाउन हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। एंड द ओशन करंट, ओशन करंट क्या होता है कि समुद्र का जो जल है वो हमेशा एक ही निश्चित दिशा में बहता है, उसे हम ओशन करंट कहते हैं। द फाइव मेजर ओशंस आर, टोटल फाइव मेजर ओशंस हैं, प्रमुख रूप से पांच मुख्य महासागर हैं। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक की, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। सेकंड हो गया आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है। थर्ड हो गया आपका इंडियन ओशन, इंडिया के ही नीचे है, साउथ में है ये इंडियन ओशन। फिर है आपका साउथर्न ओशन, और लास्ट फिफ्थ है आपका आर्कटिक ओशन। ये फाइव जो ओशंस हैं, इन ऑर्डर देयर साइज, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग है। साइज के अकॉर्डिंग मतलब पहले सबसे बड़ा ओशन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर इससे छोटा। तो लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन ओशन, एंड स्मॉलेस्ट इज आर्कटिक, ठीक है। एंड द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है आपका साउथर्न ओशन। अब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। देखिए, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। इट इज स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के लगभग एक तिहाई भाग पर फैला है, समझ रहे हैं, टोटल लैंड का वन, मतलब कि टोटल जितनी भी पृथ्वी है उसके 25% पार्ट पर ये है। 25 भी क्या, वन थर्ड, यानी कि टोटल अगर पृथ्वी के तीन भाग कर दिए जाए तो उसका एक भाग, यानी कि लगभग 33.3% पार्ट। मेरियाना ट्रेंच, जो मेरियाना खाई है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ का सबसे गहरा भाग है, हमने पढ़ा था मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है, और उसकी डेप्थ है 11,022 मीटर, ठीक है। ये जो डेप्थ, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन में है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट इन सर्कुलर इन शेप, ये शेप में लगभग सर्कुलर है, थोड़ा वृत्ताकार, थोड़ा राउंड शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, ये इसके चारों ओर एशिया, मतलब एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के चारों ओर फैला है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन, कह रहे हैं कि आप मैप देखिए और देखिए पैसिफिक ओशन के चारों ओर कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं। देखिए ये मैप है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, और आप देख रहे हैं इधर भी आपका पैसिफिक ओशन है। दो तरफ पैसिफिक ओशन क्यों, क्योंकि ये तो प्लेन पेस पे फैला है, जब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी ना तो ये पैसिफिक और ये पैसिफिक आपस में मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना पैसिफिक ओशन के इधर सराउंड, इसको ये कंटिनेंट जो है, और एशिया भी, ये कंटिनेंट इसको सराउंड करते हैं, मतलब इसके चारों ओर हैं। आगे देखिए द अटलांटिक ओशन में सेकंड जो ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन, द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इट इज एस शेप, इसकी शेप कैसी है, एस के आकार की, ठीक है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिकास ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ये मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका है इसके वेस्टर्न साइड में, और यूरोप और अफ्रीका है इसके ईस्ट साइड में। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज वेरी इंटेंडेड, जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय रेखा है, जो दंतुरक्त रेखा होती है अटलांटिक महासागर की, वो बहुत ही छोटी, बहुत ही दंतुरित है, मतलब बहुत ही पतली सी है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड द आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड द पोर्ट, कह रहे ये जो इरेगुलर, जो अनियमित और टूटी हुई दंतुरक्त रेखा है, कोस्ट लाइन है, इसके कारण ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए, मीन्स बंदरगाहों के लिए, जहां पर
जहाजों के द्वारा सामान एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स, वाणिज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द बिजिएस्ट ओशन, ये सबसे बिजी सबसे व्यस्त ओशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा महासागर जो जहाज है वो इसी ओशन में ही जाते हैं। तो देखिए अटलांटिक ओशन की आप शेप देख सकते हैं, ये लगभग एस के आकार का है, देख रहे हैं। वेस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका है, ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका है, और वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। आगे देखिए, द इंडियन ओशन इज ओनली वन ओशन, ये जो इंडियन ओशन है ये सिर्फ एक ऐसा ओशन है, पांच ओशन में से यही सिर्फ एक ऐसा ओशन है, नेम्ड आफ्टर अ कंट्री जिसका नाम किसी एक देश के नाम पर पड़ा है, दैट इज इंडिया, और जिसका नाम है इंडिया। इंडिया के बिल्कुल नीचे आप देखिए ना, एशिया महाद्वीप में इंडिया है, ये इंडिया है, और इंडिया के ठीक नीचे इंडियन ओशन है, तो इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पर ही पड़ा है। आगे देखिए, इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इसके नॉर्थ में एशिया महाद्वीप है, इन द वेस्ट और इसके वेस्ट पश्चिम में अफ्रीका है, एंड द ईस्ट और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया है। द साउदर्न ओशन, ये आपका फोर्थ ओशन आ गया, द साउदर्न ओशन एनसर्कल द कंटिनेंट ऑफ अंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवार्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो आपका साउदर्न ओशन है, जो साउदर्न ओशन है आपका एनसर्कल द कंटिनेंट ऑफ अंटार्क्टिका, और अंटार्क्टिका जो है आपका महाद्वीप लगभग उसको कवर करता है, और नॉर्थवार्ड की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, ये देखिए ना, ये है आपका साउदर्न ओशन, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट ओशन है आपका आर्कटिक ओशन, इज लोकेटेड इन द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री से ऊपर वाला जो सर्कल है, एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, मैप में देखें तो ये देखिए नॉर्थ पोल 0 डिग्री इसको सराउंड कर रहा है, ये आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आगे देखिए, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा है बाय अ नैरोअर स्ट्रेच ऑफ अ शेलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा है एक बहुत ही छिछले भाग के द्वारा, छिछला वाटर का पार्ट है, एक नैरो स्ट्रेच पतली पट्टी है, छिछला वाटर है, छिछला वाटर मतलब बहुत कम पानी है वहां पर, नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, जिसे कि बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। इट इज बाउंडेड बाय अ नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और इसके नॉर्दर्न कोस्ट पर जो इसका उत्तरी जो तट है वहां पर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया है, यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया का कंबाइंड पार्ट, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरेशिया है, देख रहे हैं ना, यूरोप और एशिया का मिक्स पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये बात की है हाइड्रोस्फीयर और वाटर के बारे में, ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम कल रीड करते हैं, ओके।